Hey guys, what's happening and welcome back to Foot Gyan and another episode of Academy Pulkit. देखो मैंने कई प्लेयर्स को देखा है जो पास अच्छा करते हैं, ड्रिबल अच्छा करते हैं, शूट अच्छा मारते हैं, पर उनसे जगलिंग नहीं होती। पर अगर आप ड्रिबल अच्छा कर सकते हो, पास डाल सकते हो, शूट मार सकते हो, तो आपको जगलिंग क्या जरूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 steps की जो आपको जगलिंग सिखाएंगे और ये भी बताऊंगा कि जगलिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जगलिंग आपको वर्सेटाइल बनाती है, आपको हेल्प करती है बॉल अच्छा कंट्रोल करने में और बॉल के डायनेमिक समझने में। तो आप कई सिचुएशन में तो बहुत अच्छा खेल लोगे, पर जब मान लो कि आपकी तरफ कर्व बॉल आती है या पिच बबली होता है या फिर प्ले स्विच होता है, तो इन सिचुएशन में आप एक्सपोज हो जाओगे। जगलिंग से आपको बॉल का टच समझ आएगा, बॉल का स्पिन समझ आएगा, आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, बेसिकली आपका गेम फ्लूडिक हो जाएगा। तो पहला स्टेप है एंकल। एंकल को आपको लॉक रखना है, मतलब जब आप न्यूट्रल पोजीशन में खड़े होते हो, बेसिकली आपका एंकल 90 डिग्री पर रहता है, तो आपको जगल के टाइम उसको 90 डिग्री ही रखना है। और ये चीज़ आपकी हेल्प करेगी सेकंड और थर्ड स्टेप के अंदर। सेकंड पार्ट है नी, मतलब घुटना। तो अपने को नी का मूवमेंट करना है, मतलब बेसिकली घुटना ही चलाना है, और जो आपके नी का मूवमेंट है उससे ही आपको पावर और एक्यूरेसी मिलेगी बॉल को पिकअप करने के लिए। कॉन्टैक्ट के टाइम पर आपका पूरा पाँव स्ट्रेट होना चाहिए, बेसिकली नी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। तो आपको अपना पूरा फोकस आपके घुटने और हिप्स पर करना है, नी और हिप्स पर। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैक स्पिन। आपको बॉल पीछे की तरफ घुमानी है, इससे क्या बॉल आपके पास रहेगी और बॉल दूर नहीं जाएगी और आप अपना जगलिंग रिकॉर्ड बना सकते हो। और जगलिंग रिकॉर्ड बनाने के लिए ज़रूरी नहीं आपका हर किक का एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपको कभी कभी बॉडी का दूसरा पार्ट भी इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉल को ऊपर रखने के लिए। सो दैट्स ओके, टाइम के साथ आपकी जगलिंग इंप्रूव होगी, आपका रिकॉर्ड बन जाएगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।